Thank you so much. Bolle na yaar. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bahut 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 bahut. Bahut bahut dhanyawad. Thank you so much. Bahut bahut. अरे कितना सीटी बजाओगे यार, चलो बजा लो, फिर बजा लो एक बार। मैं यहाँ पे एक्चुअली तीन ग्रुप हैं, एक सीटी बजाने वाले, एक ताली बजाने वाले, एक शोर मचाने वाले। तो पहले सीटी वाले गाएं। Let me speak. मैं कुछ भी कहूं, मैं चाहता हूं एक बार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए हो जाए जिसकी वजह से हम सब यहां होते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत दूर से यहां पर आए हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आए हैं, खास तौर पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और मैं विश्वास दिला सकता हूँ ये समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। शुरुआत करूँगा सबसे पहले संतोष सर का बहुत बहुत धन्यवाद देकर कि आज से करीब करीब 14 वर्ष पहले मैं संतोष सर से पहली दफ़ा मिला था और पहली दफ़ा मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे थे। जब मैं पहली बार संतोष सर से मिला तो मुझे लगा बड़े गुस्से वाले आदमी हैं यार, है ना, इतने गुस्से वाले आदमी के साथ मैं काम कैसे करूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं संतोष सर को समझना शुरू किया, मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरा भविष्य सुरक्षित हाथों में, 100% सुरक्षित हाथों में है। ये जो व्यक्ति मेरे बाएं हाथ पे खड़े हैं, बहुत शांत से, मैं कहता हूँ इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। वो डायमंड कॉमिक्स पढ़ी थी आप लोगों ने ना। तो संतोष सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे माहौल में अपना अभूतपूर्व योगदान देने के लिए। आप नहीं होते तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, विश्व बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय सर का, जो बिल्कुल मेरे आगे बैठे हुए हैं। करीब करीब 24-22 साल पुराना संबंध है मेरा संजय जी। 22 साल पहले से मैं हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मतलब बहुत बालपन में हमारा मोहब्बत था। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मुझे इस बिज़नेस में लेके आए। अगर ये मुझे बिज़नेस में नहीं लेके आए होते तो मैं अपना कोचिंग क्लास ही चला रहा होता। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आप हमारी ज़िंदगी में आए इस बिज़नेस को लेकर। अगर आप नहीं आए होते तो हम ये कहाँ से लाए होते। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये क्या बला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये बला क्या है। ये अमाउंट है 2,57,00,000 रुपए समथिंग, करीब करीब 22-23 लाख रुपए महीना होता है, करीब करीब 80,000-90,000 रुपए एक दिन का होता है। और अगर 8 घंटे की नौकरी करता तो करीब करीब 12,000 रुपए एक घंटे का होता है। और अगर मिनटों में लगाऊं, अब आप लगाओ इतना दिमाग। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का बिजनेस है। मैं खुदा से, अल्लाह ताला से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान को इस बला में फंसा डाले, सबको फंसा डाले।
चार पाँच हज़ार लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा अपने बारे में कुछ बातें जो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आज 5000 लोगों के सामने बताने में बड़ी उत्सुकता फील कर रहा हूँ। साथियों, मैं 98 में ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज से। मैं बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं जब एक चेक पकड़ रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे एक बार तो। और ये अच्छी बात है कि पैसे मेरे अकाउंट में ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, चेक बाद में मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर का है तो अकाउंट में, खाते में पैसा आ चुका है। तो 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज से, और 100-100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते थे मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि आदमी को अपनी औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, जिंदगी में वो कामयाब रहता है। 100-100 रुपए के लिए दोस्त घर में झगड़े होते थे। जितने मेरे दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं और जितने वो आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, मैं सबसे ज्यादा उनके लिए चिंतित हूँ जो बिल्कुल आखिरी में मुझे वेव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ साथियों, मेरे जैसा नालायक आदमी अगर यहाँ आ सकता है, आप में मुझसे ज्यादा प्रतिभा है, जो आखिरी में बैठे हैं वहां पर, बिल्कुल आखिरी में। में ग्रेजुएशन किया, 100 रुपए के लिए घर में झगड़ा होता था, और जब मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ कभी कभी तो आंख में मेरे पानी आ जाता है कि यार क्या सच में ये सच हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं सच में 5000 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, सच में मुझे करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए का चेक मिल गया। और चूटी काटता हूँ तो कहता हूँ नहीं, हाँ तो है, तो ये बिल्कुल सच। 100-100 रुपए के लिए घर में झगड़े होते देखे, फ्लाईओवर में स्कूटर नीचे बंद कर लेते थे कि नीचे अपने आप आ जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक आम आदमी आपके बीच में से निकल के यहां पर आया है, बिल्कुल एक आम मैंगो पीपल जिसको आप बोलते हैं। 98 में ग्रेजुएशन करके जब मैं घर आया और मेरे पिताजी से मेरी पहली बातचीत हुई तो वो बताना चाहता हूं, हमारे को गाउन पहनाया जाता था ग्रेजुएशन करने के बाद, वो काले रंग का टोपी होता था और काले रंग का वो गाउन पहना जाता था जिसमें हाथ बाहर निकलाता था, पैर बाहर निकलाता था, वो किराए पे मिलता था 20-25 रुपए। तो मैं घर आया बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुआ था। तो मैंने पिताजी को बोला, आई एम ग्रेजुएट नाउ, व्हाट इज फॉर मी, मेरे लिए क्या गिफ्ट है। तो मेरे पिताजी ने जो पहले 3 शब्द बोले, मेरा दिल खुश हो गया। आज तक याद है 98 की बात, इस बात को करीब करीब 20 बरस हो गए। उन्होंने बोला, माई सन, वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू। तो मुझे पहले दिन बात समझ में आ गई कि सोनू शर्मा जिंदगी आसान नहीं होने वाली। वहां से जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। हमारा घर मोर्टगेज था, मैं जिस घर में रहता था वो मोर्टगेज था, जिसको बोलते हैं बैंक आपको 6 महीने का नोटिस दिया था कि अगर आपने 6 महीने के अंदर भुगतान नहीं किया तो आपका घर बेच दिया जाएगा, कुर्की जिसको आप बोलते हैं, नोटिस चिपका था मेरे घर के आगे जहां मैं रहता था। घर का पता है 1A82 NIT फरीदाबाद, पंजाब एंड सिंध बैंक में लोन चल रहा था, लोन अकाउंट नंबर है 25/19 LAOS, और लोन कितने रुपए का था, 3 लाख रुपए का। तो मुझे कहा गया 6 महीने के अंदर आप पैसा भरिए नहीं तो गेट आउट, और बहुत सारी गाली दी जाती थी कि तुम्हारी जैसे वजह से देश खराब है, पैसा ले ले तो साथ तुम देते नहीं हो। तो मैंने पूछा अब इसका इलाज क्या है, तो मुझे उसका इलाज कम एक आदमी से मिला जिसका नाम था राजीव नाथवानी, वो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट था मेरे पिताजी का। तो मैंने बोला, सर क्या करना पड़ेगा लोन उतारने के लिए, उसने बोला सिंपल तरीका, लोन ले ले। मैंने 80,000 रुपए का लोन पास हुआ मेरा दोबारा, और जहां 3 लाख का लोन था वहां 80,000 रुपए का मैंने भुगतान किया, और बैंक वालों को बोला कुछ समय दीजिए, हमारा नियत साफ है, हम पैसा तुम्हारा देंगे, हमारे लिए हमारा टाइम खराब चल रहा है बस। और बैंक वालों ने हमारे को 6 महीने का टाइम दिया सर, और हम लग गए कर्मठ होके मेहनत करने में, और वो शुरुआत के 3-4 बरस एड़ियां घिसी हैं सर मैंने सड़कों पे। मैं बता भी नहीं सकता कि अपन ने क्या क्या काम किए। दिल्ली फरीदाबाद NCR स्कूटर चलाया मैंने करीब करीब 5 बरस। दिल्ली NCR फरीदाबाद मैंने स्कूटर कम से कम 50,000 किलोमीटर चलाया होगा। वो कभी कभी लोग कहते हैं कि तुमको पैसा आ गया ना तो बहुत बढ़िया बोलते हो, तो मैंने बोला नहीं, बहुत ऐसी तैसी कराया है तो यहाँ तक आए हैं हम लोग, ये इतना आसान जर्नी नहीं है। बहुत दिक्कत है जनाब, बहुत तकलीफें थी, और आज जिंदगी में खुशनुमा दिन आया कि ये चेक मुझे संतोष सर के हाथ से मिला, और सबसे अच्छी बात है अपने लोगों के सामने मिला। अपने लोगों के सामने सम्मानित होने से बड़ी कोई बात नहीं है, ये अपने लोग हैं,
ये नेस्विस के लोग हैं, अपने लोग हैं, और इस नेस्विस की वजह से जो प्रतिष्ठा मिली, जो मान सम्मान इज्जत मिली, मैं कहीं से उसका हकदार नहीं था। इसका सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो इस प्लेटफॉर्म को जाता है जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ।